फरमाते हैं कि रूहानी दुनिया में एक शे की ज़रूरत की सबसे बड़ी दलील तो ये है कि हम अमली ज़िंदगी में एक ऐसे राबर की ज़रूरत महसूस करते हैं जो इस राह पर गुजरने का कामयाब तजुर्बा रखता हो। उलूम दीन और इस्लामी फ़लसफ़ा वगैरह के उस्ताद तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन वो रूहानी मामला से तकरीबन लाताल्लुक़ नज़र आते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में फरमाया कि कोई लोहा खुद ब खुद तेज़ खंजर नहीं बन सकता। क्या फरमाया? कोई लोहा खुद ब खुद तेज़ खंजर नहीं बन सकता जब तक किसी लोहार के हाथों में चढ़ता नहीं। फरमाते कोई हलवाई अज खुद अपने काम का उस्ताद नहीं बन सकता जब तक किसी हलवाई की शागिर्दी इख्तियार ना करे। ये तो दुनिया की मिसालें देने फरमा रहे हैं आप। और फिर फरमाते हैं कि मैं खुद भी, आप अपने वक्त बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन थे, आप फरमाते कि मैं खुद भी मौलाए रूम ना बन सकता था जब तक कि मैंने हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी इख्तियार नहीं की। मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज न शुद। मौलवी उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं बना जब तक कि शम्स तबरेज की गुलामी इख्तियार नहीं करी। तो फरमाते हैं कि ज़रूरत शेख के लिए दूसरी अहम दलील ये है कि हम देखते आए हैं कि माजी में किसी एक ऐसे बुज़ुर्ग का नाम भी नहीं मिलता जो किसी दूसरे बुज़ुर्ग से बेहतर हो। जब इस वक्त आपको मिसाल देकर समझाई बात। ज़रूरत शेख पर तीसरी दलील ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने हर ज़माने में किसी न किसी नबी या रसूल या हादी को मबूस फरमाया। कोई ज़माना भी ऐसा नज़र नहीं आता जहाँ कोई हादी यानी रहबर मौजूद ना हो। हत्ता के नबूवत ख़त्म होने के बाद भी ऐसे हादी और रहबर आते रहे हैं, लेकिन इस्लाम दुश्मन कोशिशों के बायस अब एक जमात ये कहने लगी है कि हमारे लिए कुरान और सुन्नत ही हिदायत के लिए काफ़ी है। दरअसल इनका ये इनकार कुरान की इस आयत का इनकार है और इस इनकार की सज़ा इनको ये मिली कि वो इस रूहानी हिदायत से महरूम हो गए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पिछले वक्तों में आने वाले हकीम अफलातून ने अपने ज़माने में मौजूद नबी का ये कहकर इनकार किया कि हम तो हिदायत याफ्ता कौम हैं, हमें किसी नबी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। उनके पास जो उस वक्त का इल्म था ना, अफलातून के पास उस वक्त का जो इल्म था, उसने अपने इल्म पे भरोसा करके कहा कि हमें तो किसी की और की हिदायत की ज़रूरत नहीं, हम तो हिदायत याफ्ता कौम है, हम तो जदीद कौम है। हज़रत मुजद्दद रफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस बदबख्त ने, किसको फरमा रहे हैं, अफलातून को फरमाते हैं, उस बदबख्त ने इल्म फ़लसफ़ा हासिल करने के बाद ख़ुद को हिदायत याफ्ता शख्स तस्वुर किया और अब्दी नुकसान से दागदार हो गया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तड़प रहा है फलातून मियाने गैब हुजूर, अज़ल से अहले खिरत का मकाम आराफ, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरे कुशा है गिरा कुशा है नाराज़ी न साहिब कशाफ। माजी में रसूलों अम्बिया और ओलिया का अल्लाह की तरफ से भेज जाने के अमल से ये बात महसूस की जाती है कि हिदायत देने वालों का हर वक्त में भेज जाना अल्लाह की सुन्नत है और सुन्नत इलाही में किसी किस्म का तातुल तब्दीली मुमकिन नहीं होती। दर्ज बाला दलाइल के अलावा तमाम ओलिया कराम ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हर शख्स के लिए किसी शेख रहनुमा या मुर्शिद की ज़रूरत रहती है। इस मुख्तसर से बयान में तमाम मशाए कबार की राय का पेश करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता चंद एक मशाए कबार के अकवाल हम आपके सामने पेश करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला सिर्फ हम या सिर्फ तीन के कोल नज़र करेंगे आज की नशिस्त में, और उसके बाद दीगर जो दर्स होगा आइंदा जुमरात वगैरह को, तो उसमें फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। बड़ा बहुत बड़ा नाम है अते इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का। आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह तक ना पहुंच सका तो उसके लिए तो इसलिए कि वो उस राह पर चला ही नहीं, वो उस राह पर इसलिए ना चल सका कि उसने इस राह को तलाश ही नहीं की, तलाश इसलिए ना की कि उसको उस राह की पहचान ना हो सकी, और इस राह से पहचान इसलिए ना हुई कि उसका ईमान मुकम्मल ना था। फरमाते हैं कि उसका ईमान इसलिए मुकम्मल ना हुआ कि वो मर्द राह दां की राहबरी से महरूम रहा। आपने 10 साल के लिए
अपना दर्स व तदरीस का सिलसिला छोड़ दिया, दर्स दिया करते थे। कौन? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाया करते थे, फिका का दर्स दिया करते थे। ये करने के बाद फिर 10 साल तक, 10 साल के लिए इसको छोड़ दिया। 10 साल क्या किया पता है? फिर 10 साल पे सूफिया पे तहकीक करी। पहले इनके करीब नहीं जाते थे, पहले इनके करीब नहीं जाते थे, यानी इनको कोई ख़ास मकाम ही नहीं देते थे, यूँ कह लो, गैर ज़रूरी समझते थे, यूँ समझ लो। जैसे आज सवाल उठते हैं ना, इमाम गजाली अपने वक्त में खुद भी जब ज़ाहिरी उलूम हासिल कर रहे थे और पढ़ा रहे थे, तब आपका भी मिजाज था कि आप सूफिया कराम को, अहले तसव्वुफ को, आप उनको गैर ज़रूरी समझते थे, ये अहमी लोग हैं, अहमी लोग हैं। लेकिन आप फरमाते हैं कि इतना कुछ उलूम हासिल करने के बाद, कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ी, फिका भी पढ़ा, उसके बावजूद फिर फरमाते हैं कि एक प्यास थी, एक तश्नगी थी, प्यास थी जो महसूस होता था कि वो भी बुझी नहीं है। कमी महसूस, मतलब एक कमी महसूस, इतने उलूम के बाद लगता था कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो आप फरमाते हैं कि फिर मैंने 10 साल मशाइख के गिरोह पर तहकीक करने में लगाई। आखिरकार फरमाते हैं कि मैंने नतीजा ये निकाला कि मशाइख यानी सूफिया इकराम का गिरोह ही ऐसा गिरोह है जिससे लोग अल्लाह की तरफ हिदायत पा सकते हैं, और ये लोग इसी काम के लिए अल्लाह की तरफ से मुंतखब हुए हैं। आपने अपनी इस तहकीक को आयल उलूम की 4 जिल्दों में तलाशी हक के नाम से इसको आपने शामिल किया है। आयल उलूम की 4 जिल्दें हैं और उसके अंदर तलाशी हक के नाम से आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस तरह बाकी उलूम का हासिल करना फ़र्ज़ है, इसी तरह इल्म सुलूक का हासिल करना भी फ़र्ज़ है। ये आपकी जो सबक हैं, सुलूक हैं, इमाम गजाली फरमा रहे हैं फ़र्ज़ है। इल्म बातिन है ना, फरमाते हैं ज़ाहिरी इल्म फ़र्ज़ है तो फरमाया इल्म बातिन भी फ़र्ज़ है। आ जाए दूसरा नाम, बड़ा नाम, उज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं कि आदत इलाही इस बात पर जारी है कि इस दुनिया में एक पीर और एक मुरीद हो, एक मुक्तदा और दूसरा मसाहिब हो, एक पेशवा और दूसरा उसका पैरोकार हो। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उस्ताद बनाया और फरिश्तों को उनके ताबे किया, दुनिया में अम्बिया को अरसाल फरमाया और कुछ लोगों को उनका जानशीन या हवारी बनाया, हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम के जानशीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। मुर्शिद अल्लाह और बंदे के दरमियान वास्ता और बरज़ख है। ये कौन कह रहा है? इमाम हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला। तीसरा नाम, ये भी बड़ा नाम, हज़रत दादा गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि पीर कामिल की सोहबत के बगैर कोई शख्स सूफी और आरिफ बिल्ला नहीं बन सकता। आपकी किताब कशफुल माजूब तसव्वुफ के असरार से भरी हुई है और इस मौजू पर बेहतरीन किताब तसव्वुर की जाती है। इसके मुताले से मालूम होता है कि मुरीद अपने पीर की रहनुमाई के बगैर तसव्वुफ में कोई पेशरफ्त नहीं हासिल कर सकता। आपका कौल है कि जब कोई सालिक तरीकत में मुजाहिदे से राह बना रहा हो तो वह हालत तफरीक में होता है, और जब बंदे पर इनायत और हिदायत हक होने लगे तो वो मकाम जमा में होता है। इल्म उसूल जमा है और इल्म फुरू तफरका है। इंशाल्लाह ताला बाकी भी बड़े बड़े नाम हैं जो हम दलाइल के तौर पे पेश करेंगे बैत होने के हवाले से। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें सही माना में दीन इस्लाम को समझकर और ख़ासकर शोबा तसव्वुफ को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।